अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं किंग्स मॉल में, कुजावाला में। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसने पूरी दुनिया में बिजनेस का तहलका मचा दिया, और इसको देखने आए हैं। इसका जो पहला हिस्सा जो आया था वो 13 साल पहले आया था, और मुझे तो उस वक्त बहुत मैंने इंजॉय किया था इस मूवी को। कहते हैं कि दूसरा पार्ट जो ना उससे भी बढ़कर है, तो ये तो हम जब मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे साथ है जुहेब हमेशा की तरह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, और मुझे बताएं मेरी ये जो डार्कर बियर्ड है कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा हूँ कि बुरा लग रहा हूँ? जस्ट किडिंग। ये अर्शद भाई मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, बल्कि जाल शादी करके लेके आए हैं। हमारा प्लान घूमने फिरने का था, लिस्ट किया कि यहाँ पे मूवी देखते हैं। हल्दो के मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था मूवी देखने के लिए, क्योंकि मैं मूवीज़ का इतना शौकीन नहीं हूँ। सिर्फ अर्शद भाई के साथ ही आता मूवी देखने, वैसे भी कभी हो जाता हूँ, लेकिन इतना शौकीन नहीं हूँ मूवी देखने के लिए मैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर तो मूवी अच्छी तो ये भाई साहब बच जाएंगे, और अगर मूवी हुई फारग तो ये भाई साहब नहीं बचते। फ्रेंड जहेब भाई ने मुझसे शर्त लगा ली कि अगर ये मूवी अच्छी हुई और ब्लॉकबस्टर हुई और इनको पसंद आई तो ये नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी मुझे दिखाएंगे, और इसी तरह ये व्लॉग बनते रहेंगे, मूवीज व्लॉग। ये भाई जान मूवी के बोल चुकी है, और ये भाई साहब मुझे अच्छी मूवीज का, और ये फिल्म अच्छी अच्छी मूवीज का शौकीन हूँ। आलू गोभी पिज्जा गोभी देख लेते हैं। इस मूवी का मैंने 13 साल वेट किया है, 13 साल। नो 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 नो। नाज़रीन आपको एक मज़े बताऊँ, 13 साल माशाल्लाह भाई ने मूवी का वेट किया है। मूवी का वेट करते करते इन्होंने अपना वेट रिड्यूस कर लिया। वाह जी वाह, 13 साल इनको अपनी काम ही नहीं है मूवी का वेट करने के अलावा। वाह क्या बात है जनाब। नहीं देखा ना इस गम में कि मूवी कब आएगी, कब आएगी, कोई अच्छी मूवी कब देखने को मिलेगी। अच्छी मूवी जो है वो देखने का मैं क्रेजी हूं। ये भाई जी तपस्या है, रंग ले आई है, और मूवी उन्होंने ना भाई साहब ने रिलीज कर दी। उन्होंने किया, आई डोंट नो डायरेक्टर का नाम क्या है, मुझे नहीं। जेम्स कैमरॉन जिसने टाइटैनिक बनाई है। टाइटैनिक उन्होंने इनके लिए ही मूवी रिलीज किया कि भाई की ज्यादा लीक हो जाए, तो 13 साल इनफ होते हैं। इन्होंने 13 साल की तपस्या काटी है, उसके बाद मूवी रिलीज हुई है। तो की जाने बोलिए मजे, पूरा 14 किलो वेट मैंने कम किया, और लोग मुझे कहते हैं लेट्स सी, देखते हैं मूवी कैसा दोसा यार, ये मुझे बदवा दे। अब मूवी का टाइम होता जा रहा है, तो मुझे आपकी दुआ की जरूरत है कि मैं 2.5 घंटे बर्दाश्त कर सकूँ मूवी को। कटवासियों का क्षेत्र अपने आप में एक दुनिया है, हजारों द्वीप है, एक ऐसी अनजान दुनिया जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हम पहुंच गए क्या? फ्रेंड्स हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी जो है वो हम देख चुके हैं। हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्या उसकी सिनेमाटोग्राफी थी और क्या क्वालिटी ऑफ पिक्चर थी, अमेजिंग। 13 साल का जो वेट किया था उसने डायरेक्टर ने, हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। व्यूवर्स अगर आपने मूवी का मज़ा लेना है तो इसको थिएटर में जा कर देखें, घर में ना देखें प्लीज़। जहेब साहब शर्च है वो हार चुके हैं, मूवी इनको बड़ी अच्छी लगी है और इनके चेहरे से लग रहा था, और जिस तरह तालियां बजा रहे थे ओ नो, इनकी एक्साइटमेंट जरा मैं दिखा नहीं सकता आपको, सिनेमाल में आपको पता है दे रहा होता है, तो जो इनके चेहरे पे जो रंग थे जो जहेब साहब इतने मूवी लवर हैं कि मौला जेड ये 3 दफ़ा दे चुके हैं, एक दफ़ा मेरे साथ,
दो दफ़ा अपने दोस्तों के साथ, और ये कह रहे हैं मैं मूवी लवर नहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये पाकिस्तानी मूवी लवर ज़रूर हैं, लाइक रिच पठान, लाइक मौला जट, लेकिन हॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी जिसका लोगों ने 13 साल वेट किया वो इनको पसंद नहीं आई। और पसंद आई है, लेकिन चूँकि ये शायद आ चुके हैं इसलिए जो है ये ऐसे बहाने कर रहे हैं, और ताकि इनको नेक्स्ट मूवी जो है मुझे दिखानी चढ़े, लेकिन वो तो इनको दिखानी पड़ेगी, ये इससे बच नहीं सके। मूवी लवर नहीं, मैंने कहा मैं सिनेमा लवर नहीं हूँ, मुझे सिनेमा में ना तीन घंटे बैठना ज़्यादा होता है। एक्चुअली हुआ यूँ है कि टीच बटन का मैंने कोई नहीं कहा इनसे। हाँ मौला जट मैंने 3 दफ़ा, 2 दफ़ा देखी है, 1 दफ़ा आपके साथ देखी है, 1 दफ़ा अपने दोस्तों का देखी है, वो भी कहने पर स्पेशल कोई प्लान से बनाया मैंने, और वो भी बताया आपको किन हालात में मौला जट देखी थी हमने। मतलब ठीक है, ओके है, मैं नहीं कहता बहुत अच्छी है वो। मुझे ना हॉलीवुड की मूवी जो इस तरह टाइप की ना, ये अवतार हो गए जो दुम से दुम मिलाना, और ड्राइव करूँ मैं तो मुझे दुम से दुम मिलाओ। चले इस मूवी की अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वैसे मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, तमाम एक्टर्स ने ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस दी है, ख़ास तौर पर जो सनी जैक, सनी जैक जो इसमें मेन लीड, उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। अच्छा मुझे एक चीज़ की समझ नहीं है, डायरेक्टर ने ना एक वैसे बहुत बड़ी चवल मारी है इसमें कि एक कर्नल जो है एंड पे उसको मर चुका होता है, और उसको उस मूवी में उसने अवतार की शक्ल में उसको ज़िंदा कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना, तो लेकिन मैं ज़्यादा स्टोरी जो है ना रिवील नहीं करूँगा इसको। आपने अगर मूवी का मज़ा लेना है ना तो थिएटर में जाके इंजॉय करें, और पैसे खर्च करके जो है ना मज़ा लें, ठीक है। फ्रेंड्स जो अच्छी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं, जो लवर हैं, वो इस मूवी को ज़रूर देखें, आप इंजॉय करेंगे। I'm not afraid to die.